नमस्कार, मैं विनीता माला। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ फल ही नहीं, फलों के बीज भी बेहद फायदेमंद होते हैं। हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेवन करना चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं इन फलों और सब्जियों के बीज भी बेहद फायदेमंद होते हैं? तो आइए जानें किन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बीजों को फेंकना नहीं चाहिए और इनके फायदे क्या क्या हैं। आम की गुठली के अंदर पाए जाने वाला बीज पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। इसमें लूज मोशन, पाइल्स और पीरियड्स के दौरान होने वाली हैवी ब्लीडिंग को रोकने की क्षमता होती है। गुठली को सुखाकर इसका पाउडर बना लें। इस चूर्ण की 1 से 1.5 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ लें। लेकिन जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो उन्हें इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। तरबूज के बीज पौष्टिक गुणों से भरपूर होते हैं, इनकी तासीर ठंडी होती है। तरबूज के बीज जिन लोगों को वजन बढ़ाना होता है या प्रेग्नेंट वुमेन, खासतौर से जिनका वजन कम हो, उनके लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। तरबूज के बीज छीलकर 2 चम्मच पानी के साथ में या दूध के साथ में लें। आप चाहे तो बिना दूध पानी के भी इन्हें खा सकते हैं, स्वाद में भी ये अच्छे होते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो तरबूज के बीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा खरबूजे के बीजों का सेवन करें। खरबूजे के बीज अगर आपको यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें बेहद फायदेमंद होती है। किडनी के मरीजों के लिए भी ये अच्छे रहते हैं। इनके इस्तेमाल का तरीका है, बीजों का छिलका उतारकर 2 चम्मच पानी या दूध के साथ में मिलाकर खाएं। साथ ही इसे ड्राई फ्रूट के रूप में भी, मिठाइयों और नमकीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को बार बार यूरिन आता है उन्हें इन बीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इमली के बीज काफ़ी ताकतवर होते हैं। ये बीज वाइट डिस्चार्ज और पीरियड्स में ज़्यादा पलट जाने की समस्या के उपचार में बेहद हेल्पफुल होते हैं। इमली के बीजों को पीसकर पाउडर बना लें और 3 से 5 ग्राम चूर्ण को पानी के साथ में सुबह शाम लेने से फ़ायदा होगा। कॉन्स्टिपेशन हो तो इनका इस्तेमाल नहीं करें। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।